माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल द वन मैन अब्रॉड असीम भारद्वाज, आपका होस्ट दोस्त। और इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि किस तरीके से आपको माई सेज तेरा ऐप पे रजिस्ट्रेशन करना होता है। जितने भी लोग मलेशिया जाने लगे हैं, माई सेज तेरा ऐप जो है अभी इंटरनेशनल विजिटर्स के लिए मैंडेटरी है, लेकिन उन लोगों को एक्सेप्शन दी गई है यहाँ पे जो मलेशियन सिटीजन्स हैं वापस अपनी कंट्री जा रहे हैं। ओके, तो अभी तक के लिए आपको माई सेज तेरा ऐप में रजिस्ट्रेशन करनी है, जो कि हम स्क्रीन पे स्टेप बाय स्टेप देखने जा रहे हैं। इसके अलावा वैक्सीन के सर्टिफिकेट्स आप अपने कैसे रजिस्टर करते हैं, वो भी हम इस वीडियो में एक डेमो के तौर पे देखने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा टाइम निकाल के चैनल को जरूर सपोर्ट करें। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल द वन मैन अब्रॉड। लेट्स बिगिन। तो ये है माई सेज तेरा ऐप। यहाँ पे आप फ़ोन से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ईमेल से भी कर सकते हैं। आप ईमेल से करें ज़्यादा अच्छा है, और एक ईमेल से जब आप करेंगे तो एक आपको ओटीपी जाएगा आपके ईमेल एड्रेस पे, उसी ईमेल एड्रेस पे जो आप यहाँ स्पेसिफाई कर रहे हैं। वो ओटीपी डालने के बाद सामने खुलता है एक पर्सनल डिटेल्स का पेज। यहाँ पे आप अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, जेंडर, एथनीसिटी, अपना कॉन्टैक्ट नंबर, इंडिया का भी चूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं अगर आपके पास मलेशिया का नंबर नहीं है तो चलेगा, आप इंडिया चूज़ कर सकते हैं। और आप का लोकल एड्रेस मलेशिया में क्या है, ठीक है, तो देख सकते हैं। सारी डिटेल्स मैं आपके सामने फिल कर रहा हूँ, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। और एड्रेस इन मलेशिया में आप अपने होटल का एड्रेस डाल सकते हैं, या अगर आप किसी फ्रेंड के वहाँ स्टे कर रहे हैं तो उसका भी नाम स्पेसिफाई कर सकते हैं। और यहाँ मैंने फ़ोन नंबर अभी ऊपर नहीं डाला है, तो मुझे ऊपर जाके 91 कोड चूज़ करना और इंडिया का फ़ोन नंबर अपना यहाँ डाल देना है, ठीक है ना। इसके बाद नीचे मैं आता हूँ, उसके बाद डालते हैं हम अपना पोस्ट कोड, जिस प्रोविंस में मैं जा रहा हूँ, जिस डिस्ट्रिक्ट में मैं कुआलालंपुर में स्टे करूँगा उसका पिन कोड मेरे पास होना चाहिए, ठीक है ना। अब आप करते हैं नेक्स्ट, और यहाँ पे आप नया पासवर्ड चूज़ करेंगे और इससे आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड नया डालें, सेम होना चाहिए, और आपका एक ईमेल एड्रेस जाएगा, ऑटोमेटेड ईमेल जाएगा जो कंफर्म करेगा कि आपकी रजिस्ट्रेशन जो है कंप्लीट हो गई है। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि इस तरीके से आपको एक ईमेल आ जाती है अपने रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पे। यहाँ पे एप्लीकेशन खोली मैंने, और मैं सबसे पहले ट्रैवलर्स पे जाता हूँ, और यहाँ पे ये पेज खुल के आता है जहाँ मुझे कुछ जनरल क्वेश्चंस भरने होते हैं, ठीक है ना। पी स्टेट योर नेशनैलिटी हो गया, सिलेक्टिव सिटीजनशिप है, कुछ जो डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स आपने पहले भरी हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेंगी, बाकी कुछ आपको चीज़ें भरनी पड़ेंगी। जैसे मैं इस वक्त सिटीजनशिप अपनी चूज़ कर रहा हूँ, पासपोर्ट नंबर ऑलरेडी है क्योंकि मैंने पहले भरा था, तो आप देख सकते हैं वो भी है, एज भी है यहाँ पे, राइट, और जेंडर भी आ रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। देन पर्पस ऑफ ट्रैवल क्या है मेरा, वो भी मैं स्पेसिफाई कर सकता हूँ, टूरिज्म है, हॉलीडे है, जो भी है रीज़न, ठीक है ना। प्लेस ऑफ डिपार्चर, मोड ऑफ ट्रैवल, फ्लाइट वेसल नंबर, तो यहाँ फ्लाइट नंबर भी मैं चूज़ कर सकता हूँ। प्लेस ऑफ डिपार्चर हो गया मेरे केस में जैसे कि इंडिया, तो मैं इंडिया यहाँ पे चूज़ कर लूँगा, देख सकते हैं आप, इंडिया चूज़ कर लिया मैंने। अब मैं चूज़ करता हूँ फ्लाइट वेसल व्हीकल नंबर, तो फ्लाइट नंबर जो है मुझे यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, ये फ्लाइट नंबर मैंने डाल लिया जो अभी था मेरे पास रैंडम। और डिपार्चर डेट सेलेक्ट करनी कि किस दिन मैं इंडिया से फ्लाई करने लगाऊँ, और एड्रेस ऑफ स्टे इन मलेशिया, तो अगेन आप यहाँ पे पहले तो कुआलालंपुर एज अ स्टेट चूज़ कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट क्या है आपका वो चूज़ कर सकते हैं, पोस्ट कोड वहाँ का ऑलरेडी ऑटोमेटिकली पॉपुलेट कर रहा है क्योंकि मैंने पहले भरा था। नेम ऑफ कॉन्टैक्ट इन मलेशिया, तो यहाँ पे मैं होटल का एड्रेस भी डाल सकता हूँ, या जिसे मैं जानता हूँ, जिसके घर में जाके स्टे करूँगा, अपने फ्रेंड का एड्रेस भी यहाँ पे डाल सकता हूँ, ठीक है ना। फ़ोन नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट इन मलेशिया, होटल का आप फ़ोन नंबर स्पेसिफाई कर सकते हैं यहाँ पे, तो ये अभी मेरे पास नंबर हैंडी नहीं है तो मैंने कुछ ऐसे ऐसे डाल दिया आपके सामने। हाउ मेनी डोज ऑफ कोविड-19 वैक्सीन हैव यू रिसीव्ड, तो दो डोजेज हो गई वो चूज़ कर सकते हैं, एक फॉर्म आता है और कौन सी डोज मैंने लगवाई है, नीचे वैक्सीन टाइप आ रहा है तो आप वो चूज़ कर सकते हैं यहाँ से लिस्ट में से, ठीक है ना। Have you been infected with COVID-19? Yes, no, in past 60 days? No, कर दिया मैंने अपने केस के अंदर। Have you had any of the following symptoms over the past 14 days? No, कर दिया मैंने जैसे कि। तो ये सब चूज़ करने के बाद मुझे सबमिट करके आगे भरना। अभी कुछ डिटेल्स हैं जो मैंने मिस कर दी इस लंबे से फॉर्म में, तो ऊपर चलते हैं और उन डिटेल्स को भरते हैं, ठीक है ना। तो अभी ऊपर मुझे जाना पड़ेगा, मोड ऑफ ट्रैवल मुझे भरना है क्योंकि वो मैंने मिस कर दिया। तो मोड ऑफ ट्रैवल मेरे केस में क्या है, फ्लाइट नंबर मैंने डाला था लेकिन मोड ऑफ ट्रैवल नहीं डाला था, वो है एयर, बाय एयर, तो वो मुझे ऊपर यहाँ पे डालना है, थोड़ा सा ऊपर जाके ये देखिए यहाँ पे मोड ऑफ ट्रैवल एयर। ओके, पोर्ट ऑफ अराइवल भी मुझे डालना है जो मैंने मिस कर दिया था, तो वो भी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, जैसे कि हमारे केस में कुआलालंपुर हो गया, या कहीं पे भी आप लैंड करने लगे जहाँ पे भी आपकी फ्लाइट जाएगी, पोर्ट ऑफ अराइवल ये देखिए सामने, और यहाँ मैंने कुआलालंपुर KLIA टर्मिनल चूज़ कर लिया है। ओके,
अब मैं इसके बेसिस पे डिटेल्स को सबमिट कर दूंगा। अब जैसे मैं ऐसा करता हूँ तो उसके बाद जो है एक और फॉर्म खुल के आता है जहाँ मुझे वैक्सीन के सर्टिफिकेट्स अपलोड करने होते हैं। तो फर्स्ट डोज नीड्स टू बी अपडेटेड, येस और नो, मैंने ली है या नहीं ली है, तो वो मुझे यहाँ स्पेसिफाई करनी होगी। वैक्सीन टाइप कौन सी है, वैक्सीन मतलब कोवैक्सीन मैंने जैसे मैंने लगवाई वो, उसका डेट मैंने कब पहला डोज लगवाया उसकी डेट का ऑप्शन है मेरे पास। कंट्री मतलब कि इंडिया हो गया मेरे केस के अंदर, और यहाँ पे वैक्सीन के सर्टिफिकेट्स आपको अपलोड करने पड़ेंगे इस पॉइंट पे। ओके, ऑप्शन आएगा आपको स्क्रीन पे सामने, सेकेंड डोज आपने कब लगवाई। तो ये सब भरने के बाद आप जाते हैं माई सेफ ट्रैवल पेज पे, सेकेंड ऑप्शन पे जैसे मैंने क्लिक किया यहाँ पे। यहाँ पे आपको अब अपने वैक्सीन के सर्टिफिकेट्स जो हैं रजिस्टर करने हैं। आप मोबाइल से भी कर सकते हैं या डेस्कटॉप साइट से भी इनकी कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देने जा रहा हूँ आपको। तो चलिए डेस्कटॉप साइट पे चलते हैं एक मिनट के लिए और वहाँ से करते हैं। छोटा सा फॉर्म है एक पेज का, ज़्यादा कुछ आपको करना नहीं होता इस पर। तो ये है डेस्कटॉप साइट, यहाँ पे मैंने एयरपोर्ट चूज़ किया, कितने पैसेंजर्स हैं, कब मैं जा रहा हूँ, उसके बाद आप करेंगे क्लिक नेक्स्ट। ठीक है, डेट डाल रहा हूँ मैं यहाँ पे, डेट ऑफ डिपार्चर, ये देखिए मैंने डेट डाल दी, नेक्स्ट पे क्लिक किया तो एक ये फॉर्म खुल के आता है मेरे सामने, ट्रैवलर्स टाइप। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करें अगर हम, तो क्या आपका टाइप है, अदर्स आप चूज कर सकते हैं अगर आप एज अ ट्रैवलर जा रहे हैं। वैक्सीनेशन का स्टेटस वैक्सीनेटेड, मेरे नाम डिटेल्स है, माई से इस तरह से ऑटोमेटिकली उठा लेगा, लेकिन अगर कुछ डिटेल्स मिसिंग है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे कि नेशनैलिटी हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, आपका पासपोर्ट नंबर, कुछ भी मिसिंग है तो आप उसे यहाँ पे डाल सकते हैं। माई से इस तरह आईडी नीचे आप देख सकते हैं, माई से इस तरह आईसी पासपोर्ट देख सकते हैं, तो ये आप ऑटोमेटिकली पॉपुलेट होने चाहिए, अगर नहीं है तो आप इसे मैनुअली डाल के सबमिट करते हैं। दैट्स ऑल यू नीड टू डू। ऑलरेडी गाइज, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो आपको कैसे लगी जरूर बताएं, और इन दोनों एप्लीकेशन की जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अब देने जा रहा हूँ, माई से इस तरह का और दूसरा कि कहाँ से आपको अपने वैक्सीन के सर्टिफिकेट्स को वेरीफाई करना है। अगर आपने ये दोनों स्टेप्स कर लिए तो मलेशिया जाना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। बाकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं हम और वीडियोज़ में डिस्कस करते हैं, और अगर आपने पिछली कुछ वीडियोज़ फॉलो नहीं की हैं तो वहाँ जाके ज़रूर उन वीडियोज़ को फॉलो करें। I see you once again. अपना बहुत बहुत अच्छे से ख्याल रखें। Give this video a like, thumbs up for my motivation, and do not forget to subscribe to this YouTube channel, The One and Then Abroad. I see you once again. Goodbye.